पूछता हूँ, अच्छा आप खेलते हो तो थक क्यों जाते हो? या काम करते हो तभी थक जाते हो? मतलब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तो फिर ये ताकत आपके अंदर कहाँ से आती है? अच्छा जब आप खाना खाते हो तो आपको फिर से ठीक है, मतलब आपको जो काम करने की क्षमता या फिर ताकत कह सकते हो या ऊर्जा कह सकते हो, ये आपको भोजन से मिलता है। तो आप जो भोजन करते हो वो भोजन से क्या ऐसे ही जैसे चावल दाल या रोटी सब्जी खाए तो आपको भोजन तुरंत मिल गया? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जो भोजन है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, इनको आप लोग भी जानते हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये बड़े जटिल होते हैं। इनको डायरेक्ट जो है आपका जो आपकी कोशिकाएं हैं, क्योंकि आपका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिकाएं डायरेक्ट जो है इनका अवशोषण अच्छे नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना होता है या सरल होना या तरल अवस्था में होता है, तभी ये कोशिकाएं ले पाती हैं, इसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो ये कैसे कैसे भोजन जो है जटिल से सरल में टूटता है या कैसे इनका पाचन होता है, भोजन कैसे पचता है, आज हम लोग अपना विषय इसी में इसी पे करेंगे कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्यों कहा गया? सिस्टम क्योंकि इसमें एक अंग भोजन पचाने का कार्य नहीं करता है, इसमें बहुत सारे अंग लगे होते हैं जो कि भोजन पचाते हैं, इसलिए इसको सिस्टम बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है। ठीक है, अच्छा भोजन पचता कहाँ है? भोजन शरीर में एक नाल होती है, नलिका होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं, इसी में पूरा भोजन आगे से पीछे तक चलता है। ठीक है, इसकी लंबाई वास्तव में बहुत ज़्यादा होता है, करीब करीब 32 फीट के आसपास होती है। तो मैं पहले इसको यहाँ से कि जैसे ये चित्र है इससे समझाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ, फिर यहाँ जो डायग्राम बनाया हूँ इससे समझाऊंगा। देखिए, यहाँ से भोजन जब पहले आप करते हो तो मुख गुहा यानी मुख में आता है, यहाँ से मुख से होते हुए धीरे धीरे, अच्छा यहीं से पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, भोजन यहीं से पचना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद ग्रास नली से होते हुए फिर आता है आमाशय। आमाशय में सबसे ज्यादा भोजन रहता है, करीब करीब 4 घंटा तक भोजन यहाँ पे रहता है। फिर आमाशय से आता है, देखिए यहाँ पे छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में 2 भाग होते हैं, अग्रभाग और पक्ष, इसको मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा और डिटेल में ढंग से। फिर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, सॉरी छोटी आंत के अग्रभाग से फिर बड़ी छोटी आंत के पक्ष भाग में जाता है, फिर वहां से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर मलाशय में देखे जाता है, और मलाशय से फिर जो बचा खुचा चीजें हैं जो आपको शरीर का उपयोगी है वो गुदा द्वारा समय समय पे निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, लेकिन इसको और मैं सरल ढंग से आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप भोजन करते हो तो पाचन वास्तव में जटिल से सरल बनाता है, मतलब जो आपको कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ये बड़े जटिल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, तो इनको सरल में और घुलनशील में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन। पाचन एक बार दोबारा सुनिए कि जो पोषक तत्व है, जो भोजन के कण है या भोजन है, उसको सरल से जटिल से सरल में और अघुलनशील से घुलनशील में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है, अब हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप भोजन करते हो तो आपको भी पता है कि 4 टाइप के दांत आपके मुंह में लगे रहते हैं। ठीक है, अब दांतों के बारे में मैं यहाँ नहीं बहुत बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो पहले भोजन को काटते हैं, पीसते हैं, फिर यहाँ पे एक एंजाइम निकलता है जो कि आपके लार से निकलता है, उसका नाम है टाइलिन। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हो, सर एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग तो लेता है, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अच्छा, यहाँ भोजन का पाचन आपको पता है कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये लार क्या करता है, जो इसमें से एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, ये इस भोजन को क्या कर देता है? चिपचिपा कर देता है, लसलसा कर देता है, ताकि आगे की तरफ सरक सके। ठीक है, अच्छा यहीं पे ही आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन इसी मुख गुहा से ही शुरुआत हो जाता है, क्योंकि यहीं पे कार्बोहाइड्रेट का
कार्बोहाइड्रेट फूड के माल्टोज में बदलता है, इसीलिए आप बहुत देर तक खाते हो तो आपको रोटी जो है क्या लगती है, मीठी लगती है। ठीक है, तो अब इसके बाद भोजन जो है यहाँ से, क्योंकि भोजन लसलसा हो गया है, आराम से सरक सकता है, तो ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में कोई पाचन वाचन नहीं होता है, बस ये केवल एक नली होता है जिससे भोजन सरक के अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, देखिए मुंह कुहा से भोजन चला, यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें, कार्बोहाइड्रेट में टूटा, माल्टोज में। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ा, आगे ग्रास नली पड़ी, ग्रास नली में भोजन सरकते सरकते कहाँ पे आ गया, आमाशय। यहाँ पे भोजन करीब करीब 4 घंटा के आसपास रुकता है। ठीक है, 4 घंटा भोजन आपका रुकता है और यहाँ पे काफी देर तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आमाशय की दीवार होती है वहां से एक रस निकलता है जिसे क्या कहते हैं, जठर। ठीक है, अब जठर रस में भी देखिए 3 तरह की चीजें निकलती हैं, जैसे पहला है पाचक एंजाइम, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं, और तीसरा है स्लेज। इनके अलग अलग सबके वर्क हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए पाचक एंजाइम में 2 एंजाइम निकलता है यहाँ पे, एक है पेप्सिन और दूसरा रेनिन। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो आपका प्रोटीन, जैसे दालों में प्रोटीन पाया जाता है ना, तो दाल आप खाते हो तो उसमें प्रोटीन पर प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, इसको पेप्सिन को प्रोटीन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन ये जो यहाँ पे एंजाइम निकलता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा है रेनिन, रेनिन क्या करता है, रेनिन आप जैसे दूध पीते हो तो दूध को इसमें तोड़ता है, दही में परिवर्तित कर देता है। अब ये इसका HCl का वर्क देखें, देखिए HCl का पहला वर्क है कि ये क्या करता है, जो भोजन का माध्यम है जो कि 4 घंटे तक यहाँ रुकता है उसको पूरी तरीके से किसमें बदल देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, भोजन को अम्लीय बना देता है। अच्छा, भोजन आप करते हो तो हो सकता है भोजन में सूक्ष्म जीव आ जाते, वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए और आप उसे कर लेते हो, तो अंदर जाके वो बीमार ना कर दें, इसलिए उनको मारने का काम भी करता है। ठीक है, उनको मारने का काम ये कौन सा करता है, HCl करता है। ठीक है, और एक तीसरा काम और करता है, वो भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया और भोजन को अम्लीय कर देता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तीसरा थी श्लेष, श्लेष्म का कोई काम नहीं है, श्लेष्म क्या करता है, ये चूंकि आमाशय की दीवार है और आपको पता है HCl एक प्रबल अम्ल है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है, आमाशय की दीवार को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए HCl से आमाशय की दीवार की रक्षा करता है। ठीक है, अब यहाँ से भोजन जो भी पाचन हुआ, पाचन होने के बाद यहाँ पे इसका प्रोटीन का पाचन हुआ, दूध का रेनिन ने जो है दूध को दही में चेंज किया, फिर भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ देखिए छोटी आंत, अच्छा आंत छोटी जरूर कहा जाता है, लेकिन अच्छा एक यहाँ पे मैं और रोकूंगा आप लोगों को। देखिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे खूब ज्यादा खाना खा लेते हो, बारात रात में गए खूब जम के खाए, आंत तक खा लिए, तो उस समय आपको डकार आती है, गैस बनता है। ठीक है, खट्टी डकार जिसको तुम लोग बोलते हो, वो क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि जब आप यहाँ तक खा लिए हो खूब ज्यादा, तो यहाँ से खूब ज्यादा HCl निकलने लगता है पचाने के लिए। ठीक है, खूब ज्यादा HCl जब निकला तो वो पूरा क्या करता है कि खूब गैस बना, क्योंकि भोजन का पाचन होता है गैस बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि HCl आपको जानते हो कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए जो आपको डकार आता है वो भी कुछ खट्टा, खट्टी डकार इसीलिए उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा HCl निकलने की वजह से आपको यहाँ पे, अच्छा फिर आप क्या करते हो उसको बचने के लिए, आप इनो पीते हो ना, तो इनो क्या करता है, इनो का एक प्रकार का बेस है जो कि जो अम्ल है उसको, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको उदासीन कर देता है, मतलब उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, इसलिए इनो आप लोग पीते हैं। ठीक है, अब छोटी आंतें हैं, छोटी आंत, आंत जो है छोटी भी जरूर कहा जाता है लेकिन ये बहुत बड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये आपका छोटी आंत, तो ये होता बहुत बड़ी है लेकिन कहने में छोटी आंत है, लेकिन है ये बहुत। इस छोटी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, एक अग्रभाग और एक पक्षभाग। मेन है अग्रभाग, अग्रभाग में भोजन का पाचन हो जाता है। अब यहाँ से देखिए 2 रस निकलता है, एक पित्ताशय से पित्त रस निकलता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। ये दोनों छोटी आंत में नलियों के द्वारा
अलग अलग नलिकाएं होती हैं जो कि आके मिलती हैं और ये यहाँ पे पहुंचती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन का पाचन, जो बचा हुआ प्रोटीन यहाँ पे है उसका पाचन हो गया, और दूसरी चीज वसा का भी पाचन यहीं पे हो जाता है, और ये करीब करीब भोजन का ज्यादा भाग यहीं पे पच जाता है। ठीक है, अब ये भोजन क्या हो गया, पचा हुआ भोजन तरल अवस्था में होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और छोटी आंख के पक्ष भाग में आता है। अब आपका भोजन पच चुका है, जो जरूरी चीजें हैं उनका क्या हो, अवशोषण हो। अवशोषण क्यों हो, ताकि जो कोशिकाओं जिनसे आप बनी है उन कोशिकाओं को जरूरी चीजें भोजन पहुंच सके, ताकि कोशिकाएं अपना कार्य कर सके, जिससे आपका शारीरिक मानसिक विकास हो और कोशिकाओं का भी जो भी विकास होना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तरल अवस्था से यहाँ से भोजन का जो जरूरी चीज है वो क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, जो जरूरी चीज है वो एक देखिए एक चीज में यहाँ बताना भूला गया, जो छोटी आंत का पक्ष भाग है वहां पे दीवालों पे एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, बिलाई। ठीक है, अंगुली नुमा एक जिसकी दीवारों पे संरचना पाई जाती है जिसे बिलाई कहते हैं, और बिलाई क्या करता है, जो जरूरी चीजें हैं भोजन में, भोजन के पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये अवशोषण करता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो जरूरी चीज था वो अवशोषित हो गया, अब जो अनुपयोगी चीज है वो धीरे धीरे कहाँ पे आता है, बड़ी आंत में आता है। काम की चीजें तो आपकी यहीं पे निकल गई, अब जो जरूरी जो अनुपयोगी चीज है वो आपका बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में भी अभी तरल अवस्था में है भोजन, तो यहाँ पे जो पानी है उसका अवशोषण होता है। ठीक है, पानी का अवशोषण होने के बाद फिर ये जब पानी अवशोषित हो जाता है तो जो भोजन बचा हुआ अनुपयोगी भोजन ये अर्ध ठोस की अवस्था में आ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा गीला टाइप का अर्ध ठोस की अवस्था में आता है। फिर यहाँ से बड़ी आंत से ये निकल के मलाशय में पहुंचता रहता है भोजन, और मलाशय से समय समय पे ये बाहर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन शब्द और मैं यहाँ पे है देखिए, अवशोषण। अवशोषण आपने समझ लिया कि अवशोषण क्या होता है, कि जो छोटी आंत के पक्ष भाग में जो जरूरी चीज है, जो कोशिकाओं चाहिए जिसे आपका शारीरिक मानसिक या हर तरह का विकास हो सके, उन भोज पदार्थों को शरीर से अवशोषण करके अवशोषित करना। अब उसके बाद आता है स्वांगीकरण। देखिए अवशोषण तो हो गया भाई, यहाँ से निकाल दिया, लेकिन अब इसको शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भेजना भी तो है, क्योंकि सबको जरूरत है। तो अवशोषण होने के बाद फिर शरीर के प्रत्येक भाग में ये जरूरी जो भोजन है, जो पोषक तत्व है, इसका पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कहता है। ठीक है, अब जो है ये लास्ट वर्ड है जो बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या होता है, शरीर से गुदाद्वार के द्वारा मल का समय समय पे बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको इस फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। ठीक है, अब इस पे जो और जरूरी क्वेश्चन है इसको मैं आगे वाले लेक्चर में जरूर आप लोगों को कराऊंगा।